नमस्कार दोस्तों, मैं राम कैलाश यादव। दोस्तों, हमारे लल्लू पंजू टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि अपने पालतू पशु गाय भैंस को हम दवा किस तरह पिलाएं, कैल्शियम है किस तरह पिलाएं, या पशु आपका बीमार है उसे दवा किस तरह पिलाया जाए। तो दोस्तों, हम आपको पिलाने का आइडिया बताते हैं कि आपको किस तरह जो है अपने पालतू पशु को दवा पिलाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं कि ये किस तरह दवा पिलाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको दवा ले लेना है। दवा लेने के बाद उसका मुंह पकड़ना है, किनारे साइड से उसे उसका जो है जीभ अपने अंगूठे से दाब लेना है। अंगूठे से छोड़ना नहीं, उसके बाद दवा डाल देना है। जीभ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक दवा डाल न लें, वो अच्छी तरह से पी न लें। अगर आप जीभ छोड़ देते हैं तो दवा सब गिरा देगी। तो जो है अपने एक अंगूठे से उनके जीभ को दाब रखना है। जीभ दाबने की वजह से उनके जो है मुंह खुले रहते हैं। आप जो भी दवा डालेंगे डायरेक्ट उनके पेट में चला जाता है, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग पशुपालक हैं, गाय भैंस पालन किए हैं, तो आप लोगों को दोस्तों ये ज़रूरी है कि दवा किस तरह पिलाया जाए। और दोस्तों, इतना ध्यान रखना कि उनके किनारे साइड से ही अंगूठा डालें, सामने से बिल्कुल ना डालें, क्योंकि सामने पशु के दांत होते हैं, आपके अंगूठे को भी काट सकते हैं। इसके लिए किनारे साइड से ही उनके मुख में हाथ डालें। आप कोई भी दवा पिला सकते हैं, कैल्शियम हुआ, दवा हुआ, या कोई भी दवा। ऐसे कई पशु हैं जो दवा खाती नहीं हैं, चारा भी नहीं खाती, तो उसके लिए दोस्तों इसी तरह से आप पिला सकते हैं। एक डिब्बी ले लें 100 ml का, उसमें डालकर आप पिला सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है। और दोस्तों, आप देखते होंगे कि इस गाय को बहुत किलनी हो गई हैं, दवा किए ठीक हो गई फिर किलनी हो गई। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इस जो है गाय के जो किलनी का क्या राज है, जो एक ही दो दिन में बहुत ज़्यादा किलनी हो जा रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपके दिल में कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स दोस्तों।